बस करो। और वो जो तेल तला था वो कहाँ गया? ये सारा मिक्स ही है। प्याज ले लिया था लंबे लंबे स्लाइस ले रहे हैं इसके, और ये फिर अब बेसन डाल दिया इसमें। अब इसके बाद थोड़े से आलू डाल देंगे हम इसमें, आलू भी थोड़े बारीक काटते हैं ताकि अच्छे से हम इसे लंबे लंबे काटने हैं। अब इसके बाद हम इसको थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, ये टेस्ट के लिए अच्छे होते हैं। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, पैकेट दिखाने सीधा पड़ जाएगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम वैसे और कोई मसाला हम ये आपकी इच्छा है कोई और मसाला डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डालना तो नहीं डालें। वैसे पाव भाजी मसाला डाल रहे हैं तो इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लेंगे, इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन डाल लेंगे। इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे, इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे, ये देखो 2 चम्मच। हल्दी ये मिर्ची है, थोड़ा सा साबुत धनिया भी डाल सकते हैं इसमें, जिसको पसंद हो खाना वो डाल सकता है। बस ये पेस्ट हो गया है। अब इसमें थोड़ा मतलब अगर हम इसमें ऐड करना चाहते तो जैसे अभी हम कड़ी पत्ता ले लेंगे, हम कड़ी पत्ता डालेंगे इसमें, कड़ी पत्ता से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कड़ी पत्ता डालेंगे, कड़ी पत्ता अच्छा टेस्ट देता है इसमें, कड़ी में और इसमें भी पकौड़े में भी। तो हम इसको ऐड करेंगे, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है कड़ी पत्ता, हम तो वैसे कम ही यूज़ करते हैं। बोलते हैं जिस घर में जहाँ मतलब ये चीज़ ज़्यादा होती है वहाँ पर कम यूज़ करते हैं लोग, तो इसको बाज़ार से खरीद के करते हैं। हम तो इनको पशुओं को डालते हैं, ये तो हमारे इतना ज़्यादा होता है कोई यूज़ ज़्यादा नहीं करता है। हाँ जितने डालेंगे उतने टेस्टी बनेगा पकौड़े का। हाँ इससे टेस्ट ही कुछ अलग सा आ जाता है पकौड़े में, क्रंची कर देता है पकौड़े को एकदम। ताकि पूरा पत्ता फिर मुंह में अच्छा नहीं लगेगा जाते हुए। पानी पहले थोड़ा ऐड करना है, उसके बाद फिर ज़्यादा पानी ऐड करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो, अदरवाइज अगर इस पानी से हो जाता है हमारा तो ठीक है। मिक्स करना है, जीरा डालना है, गाइस ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, गाइस ये कलरफुल फ्लेवर लग रहे हैं इसमें। फिर डाल दो पानी के लिए, देखो ऐसे हो गए, बहुत टेस्टी बने। यार ऑनियन ज़्यादा है, आलू कम, ऑनियन वाले पकौड़े ज़्यादा टेस्टी होते हैं, गोभी के भी अच्छे होते हैं। आइए देखते हैं अब पकौड़े कैसे बनते हैं, घर वालों के पास तो आके देखते हैं कि कैसे बनते हैं पकौड़े। हमारे पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं।
गाइस तो टेस्ट करते हैं कैसे लगते हैं पकौड़े रितु जी के हाथ के। वाह क्या क्रंची, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए और ये देखिए हमने डिप कर दिया टमाटर सॉस में और हम खाएंगे। तेल भी डाला है इसमें आपने, कड़ी में तेल भी थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे, थोड़ा ज्यादा डालो, दो सिटके डालो। अब हमने लस्सी तैयार कर ली, लस्सी में हमने जीरा थोड़ा कच्चा जीरा भुना हुआ और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली हुई है इसमें। अब हम इस लस्सी को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, तड़का लगा देंगे और इसमें हमें बेसन, हाँ बेसन वो करना है, इसमें मिक्स करना है, तब जाके हमारी कढ़ी अच्छी बनेगी। आ जाओ पास लो, बात पकौड़ लो, टेस्ट करो। हमारी कड़ी बनने जा रही है, कड़ी पकौड़ा। अब हम इसको गर्म करने के लिए रखेंगे जब तक इसमें उबाल होगी, तब तक तो हम इसको धीमे से रखेंगे, फिर इसमें उबाल हो जाएगी, पकौड़े डाले इसमें डाले और जाओ पकौड़े आपके लिए। नहीं बस मैंने ये डाले पकौड़े कैसी बनी है गाइस, टेस्टी है गाइस। तो ये थी हमारी कढ़ी चावल की रेसिपी। आप बासमती बना सकते हो, ये कढ़ी थी, पकौड़े बहुत कम हो गए खा के, टेस्टी थी वाली। ठीक है गाइस तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।